दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत शानदार देसी पोल्ट्री फार्म का टूर कराऊंगा। यहाँ पर दो भाई मिलकर पिछले 28 साल से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। गांव में अपने खेत में इन्होंने अपना फार्म बनाया है और अब ये यहीं पर रहते भी हैं और अपना व्यवसाय भी करते हैं। एक बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं यहाँ से। तो देर न करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ शुरू होता है बग्गू फार्म। ये अमृतसर में है सिंस 1996, मतलब मेरे पैदा होने से भी पहले से ये फार्मिंग कर रहे हैं, देसी पोल्ट्री फार्मिंग। हमारे साथ में सरदार जी। सर कैसे हैं? हेलो सर, वेलकम सर। बहुत बढ़िया सर, आप बताइए क्या सर, हाल है? पहले अपना? तो दोनों ब्रदर अपना एक परिचय दीजिए हमारे को। हमारा नाम परमजीत सिंह है और साथ मेरे भाई है सरदार जितेंद्र सिंह जी। जी। और जो हम बग्गू फार्म की शुरुआत की है 1996 में की है। जी जी। उस वक्त हमारी जो एज थी 13 वर्ष की ही, और जितेंद्र सिंह भाई की जो एज थी 8 वर्ष की थी। 28 साल हो गए हैं लगभग इन्हें। बिल्कुल जी, 28 साल हो गया, 29 साल होने वाले हैं जी। सर आपके फार्म का टूर करेंगे क्योंकि हमारे दर्शकों को ना ऐसे फार्म के टूर बहुत पसंद आते हैं, और प्लस आप एक मजबूत काम कर रहे हैं यहाँ पे देसी मुर्गी पालन का। तो आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। बिल्कुल सर, आइए सर, वेलकम सर। जी जी जी। तो सर ये क्या एरिया पड़ता है ये अमृतसर में? सर ये चमियारी पिंड है जी साडा, ते नियर अजनाला जी, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। पंजाब। और गोल्डन टेम्पल से ये 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर है जी, गोल्डन टेम्पल से 35 किलोमीटर है जी, जो हमारा एरिया है, अजनाला एरिया में पड़ता है जी। जी। तो सर क्या क्या है अपने पास फार्म पे अभी? सर मेरे पास तो देसी ब्रीड सब है, जैसे RIR हमारे पास ओरिजिनल बर्ड है जी, FFG FG, तो एक हमने ड्यूल ब्रीड भी तैयार की है जो मीट और अंडे के पर्पज के लिए तैयार की है, और अंडे भी देती है और मीट के लिए भी अच्छी जो प्रोडक्शन देती है। सर जैसे फार्म तो हम विजिट कर ही रहे हैं, बहुत बड़ा फार्म है दोस्तों, आगे तक चलते रहेंगे, थोड़ा सा वाक्य बताइए कैसे इस धंधे में आना हुआ इतनी छोटी उम्र में? जब एक उम्र एजुकेशन की होती है उसमें आप इसमें कैसे आए? सर कोई भी जो धंधा है ना, जहाँ कोई काम है जी, उसकी नीड होती है, ठीक जी, है जी। हमारे बचपन में फादर साहब की डेथ हो गई सी 1994 में जी जी जी। हमारे पास कोई काम नहीं था है। उस वक्त हम बहुत छोटी एज के थे जी, तो हमें एक जरूरत सी काम की जी, तो हमने हमारे दिमाग में जे पोल्ट्री का काम आया जी जी, तो हमने जे पोल्ट्री का काम शुरू किया। दोस्तों ये होती है मजबूरी में काम शुरू करा और उस काम को ईमानदारी से करा, और आज एक मुकाम देखिए आप, ठीक है। हम भी बहुत तारीफ सुन के इनके पास आए हैं आज, और सर को अभी हिंदी ढंग से आती भी नहीं तब भी वो बोल रहे हैं हमारे कहने पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये क्या है, कैसे कैसे थोड़ा बताइए सर यहाँ पे? सर ये हमारा पेनर यूनिट है जी, देखो सामने हमने नंबर लगाए हुए हैं। हाँ। अलग अलग जो ब्रीड्स है अलग अलग ही इसमें फार्म में है जी जी, जैसे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर अलग अलग नंबर है। इसमें हमारा FFG बर्ड्स है जी। बायो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे स्प्रे बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट बर्ड है, पेरेंट बर्ड ही बहुत जरूरी होता है देसी पोल्ट्री फार्मिंग और हैचरी में। चूना भी रखा है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे स्प्रे भी हुआ और चूना भी जरूरी है। ये 5 नंबर सेट है बर्ड, इसके अंदर FFG है, देखते हैं अंदर क्या सिस्टम कर रखा है सरदार जी ने। अच्छा फोकर लगा रखे हैं यहाँ पे। सर फोकर क्यों लगाए हैं इतने ज़्यादा? सर पानी से दिक्कत नहीं होगी? सर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, हाँ। इसलिए इनके फोकर की जरूरत पड़ती है, पंखे के साथ साथ फोकर की भी जरूरत पड़ती है। पेरेंट बर्ड्स हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है जी, अगर ये पेरेंट्स की अच्छी परवरिश की जाए जी, तो इसका बच्चा भी अच्छा निकलता है जी। भाइयों मैं आपको बता दूँ, शेड के अंदर घुसते एक अलग ठंडक का एहसास हुआ मेरे को, फोकर का बहुत बढ़िया रोल है, और कितना बढ़िया अंदर मौसम कर रखा है, और फैन लगा रखे हैं उन्होंने, ये वाले बड़े वाले फैन। तो जी FFG ब्रीड ही क्यों सर? आप जब RIR करते हो RIR पे कंटिन्यू क्यों नहीं करा? सर RIR भी हमारे पास है और अच्छा। FFG भी है। अच्छा सर FFG का जो मेन है ये मीट के लिए भी काम आती है और अंडे के लिए भी काम आती है जी। हाँ। वैसे अपनी आपका वैसे मेन बिजनेस क्या है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मीट पर्पज के लिए कर रहे हैं, अंडे के लिए कर रहे हैं, या फिर आप चिक्स निकालते हैं, क्या सिस्टम है? सर हम चिक्स निकाल रहे हैं, मेन से आगे जो साढ़े 500 एग्स होता है उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करके हैचरी में जाता है। अच्छा हैचरी पर उसका चिक्स निकलता है, फिर हम फार्मा से सप्लाई करते हैं। अच्छा मतलब मेन आप चिक सप्लायर हो? हाँ जी। अपना यहाँ पे पूरा हैचरी भी अपना है। हाँ जी। और बर्ड पेरेंट है सर, कितना बर्ड है सर ये? 6000 बर्ड है पेरेंट्स बर्ड, जो FFG 6000 बर्ड है। 6000 बर्ड है? बिल्कुल हाँ। तो सर कितना अंडा आ रहा होगा अभी? सर RIR का 2000 बर्ड है। हाँ हाँ। सब अब तो इसकी प्रोडक्शन ठीक ठीक ही चल रही है, 3500 इसकी जो एग डेली का आ रहा है, नंबर ऑफ एग्स जी।
और जो अपना एफएफजी है ये ही सप्लाई ज़्यादा होता है अभी इस समय? सर एफएफजी मीट के लिए ज़्यादा सप्लाई होता है। अच्छा, आरआईआर जो अंडे के लिए पालते हैं वो ज़्यादा आरआईआर को लेते हैं, क्योंकि पंजाब है, डिमांड है, नॉनवेज लवर्स हैं, बहुत डिमांड है जी। और कहाँ कहाँ जाता है सर? सर हमारा जो नॉर्थ इंडिया तो हम सब में सप्लाई करते हैं, तो उसमें ऑल इंडिया ही जो हैचिंग एग भी बेचते हैं सर। और सेगमेंट में देखेंगे फार्म का आपके, और आगे बढ़ेंगे आप आगे आगे। दोस्तों वीडियो में बने रहना, अभी तो सिर्फ एक ही साइड था, आपको ड्रोन शॉट में दिख रहा होगा कितना बड़ा फार्म है। यहाँ पे सर ने हरा चारा भी कर रखा है, हरा चारा क्यों करा सर यहाँ पे? हाँ सर, ये तो अपने लिए सब्जी वगैरह लगाई है। अच्छा अच्छा, कुछ इनको भी हरा चारा देते हैं हम जी जी, बर्ड्स को भी। अच्छा, अब हम दूसरी साइड में जा रहे हैं, तो टोटल डबल एफ जी कितने साइड है यहाँ पे? सर हमारे थे यहाँ 15 शेड है डबल एफ जी के। 15 शेड डबल एफ जी के हैं जी। तो जी डबल एफ जी ब्रीड की थोड़ी खासियत बताओ, ये इतने डिमांड पे इंडिया में क्यों पाई जा रही है? ड्यूल पर पहले कम आ रही ना, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एग भी ठीक चल रहे हैं, जो 220 एग देती है 1 ईयर में, और इसकी जो मीट की डिमांड भी काफ़ी चल रही है जी जी। जो इसका मेल है वो 4-4.5 kg का हो जाता है, और फीमेल 2.5-3 kg की हो जाती है जी। आजकल ब्रॉयलर से ज़्यादा कई जगह पे देखा मैंने यूज़ किया जा रहा है इसको, देसी को, क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, ठीक है ना, और इसमें बीमारियाँ भी बहुत कम आती हैं। सर नेचुरल तरीके ना तैयार होती है, जैसे आप देख रहे हो फ्री, बिल्कुल फ्री, केज ऑफ फ्री है, मतलब कोई केज नहीं लगाए गए, पिंजरे नहीं लगाए गए जी जी। अब बर्ड जरा आज़ादी से अपने आराम से घूम रहा है, इसे अपनी मर्जी से खा रहा है, मर्जी से पी रहा है जी, और स्ट्रेस फ्री बर्ड्स है जी जी। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ही होना चाहिए सर। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जैसे ये बर्ड है आपका, ठीक है, तो ये है मेल है ये वाला, है ना? ये मेल है, ये फीमेल है। हाँ, फीमेल। तो यहीं पे ये क्रॉस करके फर्टाइल दे रहे हैं अपने, फर्टाइल दे रहे हैं, फर्टाइल है। एआई का यूज नहीं किया जा रहा, एआई की जरूरत नहीं पड़ती है। जी जी जी। सर वैक्सीनेशन कितनी होती है इनकी पेरेंट की? सर जो पेरेंट की है वो तो 31-32 वैक्सीनेशन इनकी होती है। 31 वैक्सीनेशन? यस सर। अच्छा सर, और ये मतलब जब बड़ा हो गया तब भी होती है? तब भी होती है। सर का ऑफिस यहाँ पे बैठते हैं, सारी डील्स वगैरह अपनी क्रैक करते हैं, और सामने शायद हैचरी रूम है वो। अच्छा, बहुत बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हैचरी भी लगा रखा है सर। कितना कैपेसिटी हैचरी का? सर हमारा हैचरी का 1.5 लाख का कैपेसिटी है एक महीने का। 1.5 लाख कैपेसिटी, 1.5 लाख चिक्स तैयार करते हैं महीने में। हाँ, महीने में 1.5 लाख चिक्स दोस्तों तैयार करके, और बिक भी जाता है सर आराम से? सर बिक जाता है, एडवांस बुकिंग है जी। एडवांस बुकिंग है सर। मेन रीज़न क्या है अपने वैसे बग्गू फार्म कहाँ कहाँ तक सप्लाई कर रहा है? सर नॉर्थ इंडिया सब में सप्लाई हो रहा है, और हैचिंग एग जो हमारा है वो तो ऑल इंडिया ही बेचते हैं हम। अच्छा, ऑल इंडिया बेचते हैं? हाँ जी। दोस्तों अब हम आ गए हैं इनके चिक्स वाले सेक्शन पे, जो बच्चे निकल चुके हैं हैचरी से। यहाँ पे देखो ये ब्रूडिंग हो रही है इनकी, ब्रूडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रूडिंग ये करके देते हैं। अच्छा, कितने दिन के चिक्स देते हैं सर आप? सर हम 1 महीने तक के चिक्स देते हैं, जैसे ये चिक्स है ये 15 दिन के है। अच्छा, ये चिक्स जो है ये 12 दिन के है। ये 12 दिन के हैं? हाँ जी। ये सारे सेल के लिए रेडी है? अच्छा रेडी है ये, बस इनको अब आपको डब्बे में लोड करके आगे भेजना है। आगे भेजना है जी। ये तो बुक होगा सर आपका? सारा बुक है सर। हाँ जी। ये कहाँ जाएगा सर? जैसे कुछ पटियाला में जा रहा है, लुधियाना में जा रहा है, और जम्मू एंड श्रीनगर में हमारा माल काफ़ी जाता है। ये अपना खेत होगा? खेत में आके बनाया आपने? हाँ जी, खेत में बनाया जी ये तो जी। जब शुरुआत, अच्छा अच्छा, अरे जब शुरुआत करी थी तब भी यहीं रहते थे? यहीं शुरुआत की थी। अरे यहीं से शुरुआत की थी जी। सर ये आरआईआर चिक्स है जी। अच्छा, आरआईआर चिक्स आ गए यहाँ पे। ये है आरआईआर चिक्स, और ये भी रेडी टू सप्लाई है। सर पेरेंट कहाँ है सर इनका? सर पेरेंट का दूसरे फार्म में है, दिखाते हैं। दूसरे फार्म पे है वो? अच्छा अच्छा। ये कितना सर चिक्स कितना है ये? सर ये 2000 चिक्स है। तो अभी टोटल फार्म में कितना चिक्स है अभी आपके पास? 25,000 चिक्स है। 25,000-30,000 चिक्स है। हाँ, सर इतना मेंटेन कैसे कर पा रहे हो सर? सर बस हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, हमें तो लगता नहीं कि 25,000-30,000 है। बंदे हैं रखे हुए? हाँ हाँ, वो तो काम करते जो हमारे। कितने बंदे हैं सर? सर 11 बंदे हमारी हेल्प कर रहे हैं जी। 11 बंदे, और पीछे शायद माता जी हैं। हाँ जी, मेरे मदर जी। ये भी आपकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल जी, इन्हीं गाइडलाइन के साथ ही हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसे आपने बताया कि फादर साहब के जाने के बाद इस लाइन में आप आए, बहुत छोटी उम्र में आए, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था जबकि आपकी फोटो में देख रहा हूँ। बिल्कुल जी, ठीक है। तब से अब तक कोई उतार चढ़ाव देखा इस लाइन में आपने? बहुत सर, बहुत जी। थोड़ा बताइए उसके बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में। सर लाइफ में तो उतरा चढ़ाव तो रहता है, क्योंकि 1996 के बाद में जो जब हमने बिजनेस शुरू किया था
तो कारगिल की लड़ाई जो जंग था वो शुरू हो गई जी। उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई थी सेल में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही। उसके बाद बर्ड फ्लू रहा 3-4 साल, बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हम देखी है। देखी है सर, पर सर्वाइव कर गया, सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुरा समय होता है कि वो भी बड़ा कुछ सिखा जाता है। बिल्कुल जी, बुरा वक्त ही आदमी को मजबूत करता है। कहते असी जिदा कह देंगे पत्थर होता है गोल होता है बहुत सोहना लगता पर ठेडे खा खा के गोल होता है। जी जी जी, वही चीज़ साड़ना बनी है। संघर्ष तो असं बहुत किया सर, पर जो सोचा परमात्मा ने उतो वध दे दिता। तो जैसे मैं आपका फार्म देख रहा हूँ, टोटल कितना लैंड है सर, कवर्ड जो है आपका ये? सर 2 एकड़ का है। 2 एकड़ में आपका फार्म है जी। टोटल सेट 15 बताया था, 15 शेड। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों, आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे कि हम मटेरियल पे पूरा ध्यान देते हैं। ये देखो, ये सरकंडों का बना हुआ सेट है, इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है, उसके ऊपर मिट्टी है, ठीक है ना, बहुत, और रखा हुआ लोहे के गार्डर पे, मतलब स्ट्रक्चर मजबूत है, ऊपर ऐसी रूफ दे रखी है जिससे आराम से बर्ड को गर्मी ना लगे। सर ये कहाँ से बनवाया आपने? सर जब हमने पहला शेड बनाया था 1996 में, हाँ, तो तब भी हम ऐसे शेड बनाया था। अच्छा, आज भी ऐसे शेड ही बनवा रहे हैं, क्योंकि हाँ, सबसे अच्छा शेड यही है। सर्दी में इसे सर्दी कम लगती है बर्ड को, हाँ, और गर्मी में गर्मी कम लगती है। पर बारिश में दिक्कत तो होती होगी सर? सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती जी। जैसे हैवी रेनफॉल हो गया या फिर आंधी आ गई, नहीं, क्योंकि हल्का है, उड़ सकता है ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी? ऐसा कुछ नहीं होता जी। जी जी, ये आपने खुद बनाया है सर? जी सर, ये मिस्त्री से ही बना है। शुरुआत में पहले खुद बनाया था? हाँ हाँ, जब 96 में खुद बनाया था। जी 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 सर, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी सर ये स्ट्रक्चर बनाने में, टोटल जो स्ट्रक्चर 2 एकड़ में? सर अब जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 150 रुपये पर स्क्वायर फुट होगी। पर स्क्वायर फुट। और अगर मैं पूरे फार्म की बात करूँ, हैचरी भी है, लाइफ स्टॉक को हम अलग कर देते हैं बिल्कुल, पेरेंट का तो पेरेंट ही बेस है, रॉ मटेरियल पेरेंट ही है हमारा, उसका तो कीमत कोई है ही नहीं, ठीक है ना। जो आपकी हैचरी मशीन है 1.5 लाख अंडों वाली, और ये सेट बनाने में कितना खर्चा हुआ था? सर देखो, हमने तो सारा कुछ जहाँ से ही कमा कर लगाया है, उन कितने होली होली धीरे धीरे सब हुआ है। जी जी, इसकी इनकी प्रॉफिट से हुआ है जी। एग्जैक्ट तो इसकी फिगर बताने में नहीं बता सकते हम जी जी, लेकिन काफ़ी बड़ा है और करोड़ों में है जी, बिल्कुल आराम से। हाँ। अगर हम लैंड को इंक्लूड ना भी करें तो भी करोड़ों में है। इनका RIR का पेरेंट काफ़ी सुंदर पेरेंट है सर, तो इससे कितनी चिक निकाल लेते हो आप महीने में? सर RIR हमारे पास 2000 पेरेंट है, हाँ, हाँ। इसकी एग प्रोडक्शन तो बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, अब 80% में प्रोडक्शन चल रही है। 80% में है, 1600 एग डेली का आ रहा है। डेली का आ जाता है 1600 एग। और सारे हैच होते हैं सर, कितने परसेंट हैचबिलिटी आती है? सर 85% इसकी हैचबिलिटी है अपनी मशीन की। WFG थोड़ी कम आ रही है जी, अभी गर्मी है ना सर, गर्मी है, 78 आ रही है उसकी। जी जी जी, इनकी तो अच्छी आ रही है। तो सरदार साहब देखो, आपका फार्म देखा हमने, ठीक है, काफ़ी पसंद आया, 2 एकड़ में आपने बना रखा है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, बर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं, आपका हैचरी का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, 1.5 लाख चूजे आप महीने में बेच रहे हो। तो सर एक बार बताओ, आप पंजाब के युवा हो, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने देखा है, हालांकि मेरा भी मन था बाहर जाने का, कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, US जाने का, तो यहाँ अपने देश में रह के आप कर रहे हो, हालांकि सक्सेसफुल हो, तो वहाँ क्यों नहीं गए, ऐसा मन नहीं करा जाने का? मन तो बहुत कर रहा था, शौक तो हमें बहुत था, लेकिन करना कि पैसा कमाने बाहर जाना है, तो हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं काम ही करना इतने करो, नाले अपने परिवार में चला के काम कर रहे हैं जी, और बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है जी, बहुत खुश है सर, हम इतने काम करके बहुत खुश है। क्या प्रॉफिट चल रहा है सर आपका, अगर मैं ईयरली बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर जो अभी गया है, उसमें क्या कमाया सर आपने, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। सर बड़ा कुछ कमाया जी, हम अपने परिवार में रह के नाले काम कर रहे हैं, नाले बढ़िया लाइफ काट रहे हैं। नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है, अपने देश में हम राजा हैं, बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है आपको, ठीक है ना, चाहे आप कितने भी डॉलर कमा लो, बाहर जाके नौकरी करनी ही पड़ेगी आपको। काम करा रहे हैं उसे खुद काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके नीचे यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं आप, ठीक है ना सर। मैं तो आप खुद बड़ा हैरान रहता हूँ, जब लोग बोलते हैं पंजाब में तो काम ही नहीं है, है, है। ये तो बहुत गलत, हम बोले पंजाब में इतना काम है, बंदा वेला रह नहीं सकता जी, क्योंकि हम खुद भी काम कर रहे हैं, हम तो 24-24 घंटे काम कर लेता भी नहीं फ्री हो सकते जी जी, ठीक है। तो लोग बोल देते हैं पंजाब में काम ही नहीं है, काम बहुत कट है, इसलिए बाहर जा रहे हैं लोग जी जी, पर ये तो बहुत गलत है जी। अपॉर्चुनिटी तो देखो हिंदुस्तान में पूरे में ही है, हाँ, हमारी पॉपुलेशन इतनी अच्छी है, इतना बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान, ठीक है, दुनिया आके यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, अब हमारा युवा है वो बाहर जाने पे ध्यान है जी। तो सर जैसे अगर किसी भाई का, जैसे आपने शुरुआत करा मजबूरी में, शुरुआत करा शौक बनाया, शौक को बिजनेस बनाया, आज इस मुकाम पे हो आप, बड़ा फार्म है, कोई युवा भाई अगर जिसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो शौक के तौर पे हो, तो उसको क्या सलाह देंगे आप?
सर बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। हम तो सोचते हैं जो भी इस बिजनेस में आना चाहता है बड़ी खुशी से आ सकता है और बढ़िया स्कोप है, अपनी जो लाइफ है बढ़िया सेटल कर सकता है इस बिजनेस से, क्योंकि हम पूरा परिवार इस बिजनेस से निर्भर है, पूरा परिवार हम यहीं रह रहे हैं और बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं जी। तो जैसे कि सर, लेकिन एक चीज़ और मैंने सुनी है कि देसी बर्ड का कोई मार्केट नहीं है, कोई मंडी नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखो, अगर ये मार्केट ना होता तो 28-29 साल हो गया है, 29 ईयर हमें हो गया, अगर ये मार्केट ना तो हम इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लेते। देसी की बहुत अच्छी मार्केट है, लोग चाहते हैं कि हम रात रात में अमीर हो जाएं, इतनी जल्दी अमीर नहीं होते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो बाहर भी फॉरेन में भी जाते हैं उनसे बात करके देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी। पहले 3-4 साल उन्हें स्टडी करनी पड़ती है और PR TR में कभी कितनी स्ट्रगल करके फिर वो लोग कामयाब होते हैं जी, तो फिर वो पंजाब में आने के लिए कितने चाहत होते हैं कि हम जल्दी पंजाब में चले जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग जहाँ सोचते हैं 1-2 महीना काम करके ही कामयाब हो सकते, ऐसे नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है जी। सर देसी का एक अलग ब्रांड है ना, क्योंकि आज भी 160-165 रुपए के जी बिक रहा है। ब्रॉयलर पर जितना मर्जी सस्ता थी, देसी का कभी रेट थल्ले नहीं आया जी। एक अलग ब्रांड है और विकता भी है जी, बशर्ते अपने एरिया में डिमांड होनी चाहिए, है ना वो सर। ब्रांड है एक तो, जो ब्रांड है तो ब्रांड बेचने के लिए अच्छे लोग तो चाहिए जी जी, ठीक है ना, और अच्छे लोग ढूंढोगे तो मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं, जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, वो इसे आराम से ले लेते हैं। सर मेरा ये मानना है, मेरी अपनी सोच है, जो मैं डाटा देख रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ब्रॉयलर का चरण कम होने वाला है और ये देसी का ही ज्यादा फार्मिंग होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच्चाई है जी। जी जी सर जी। जो एक बार देसी चिकन या देसी एग लेके खा लेता है ना, वो दोबारा ब्रॉयलर में नहीं जाता जी जी, क्योंकि उससे इतना टेस्ट नहीं लगता। जो देसी एक नेचुरली तरीके ना इसे पाला जाता है, नेचुरल तरीके से ग्रो होता है। दोस्तों मेरे भाइयों, इतनी अच्छी जानकारी दी सरदार साहब ने, अपने फार्म का, अपने घर का टूर कराया और अपना जो रियलिटी है उसे हमें, हमारे सामने रूबरू कराया। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, इनका बिजनेस मॉडल पसंद आया होगा और वाकई में इनकी बात मेरे मन को छू गई कि अपने देश में रह के हमें ज़रूरत क्या है बाहर जाने की, जब हम अपने देश में रह के इतना अच्छा कमा पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।